हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस लेख में अजवायन पर संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। इस लेख में हम जानेंगे अजवायन क्या है, अजवायन के आयुर्वेदिक फायदे और इसके कुछ नुकसान, और ये भी जानेंगे कि अजवायन को किस तरह उपयोग में लाया जाए ताकि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। तो आइए दोस्तों, लेख की शुरुआत करते हैं, पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अजवायन के उपयोग के बारे में जरूर जानते होंगे, क्योंकि हर घर में रोज अजवायन इस्तेमाल में लाई जाती है। आम तौर पर लोग अजवायन को केवल खाना पकाते समय मसाले के रूप में ही उपयोग में लाते हैं, क्योंकि लोगों को यह नहीं पता कि अजवायन एक बहुत ही उपयोगी औषधि भी है। कहने का मतलब यह है कि अजवायन खाने के फायदे एक नहीं बल्कि कई सारे हैं। अजवायन के बारे में एक आम कहावत है कि अकेली अजवायन ही सैकड़ों प्रकार के अन्न को हजम करने में सहायता करती है। इसके साथ साथ अजवायन खाने के फायदे के रूप में यह भी बताया गया है कि इससे कई बीमारियां भी ठीक की जा सकती हैं। अधिकांश लोगों को अजवायन से होने वाले फायदे की जानकारी ही नहीं होती, इसलिए वे अजवायन का भरपूर लाभ नहीं ले पाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि अजवायन कितनी गुणकारी होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अजवायन है क्या। यह एक बीज है जो मसाला एवं औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती है। कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में अजवायन बहुत फायदेमंद साबित होती है। हमारे देश में सालों से अजवायन का प्रयोग मसाले के साथ साथ एक औषधि के रूप में किया जा रहा है। मसाला, चूर्ण, काढ़ा और रस के रूप में भी अजवायन खाने के फायदे मिल जाते हैं। मुख्यतः अजवायन तीन प्रकार की होती है, जिसमें से नंबर एक है अजवायन, नंबर दो जंगली अजवायन, नंबर तीन खुरासानी अजवायन। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं अजवायन के आयुर्वेदिक फायदे। अजवायन किस किस बीमारी को ठीक करने में मदद पहुंचाती है, यह जानने और इसका पूरा लाभ लेने के लिए आपको अजवायन के इस्तेमाल और अजवायन की खुराक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। नंबर एक, अजवायन खाने से सीने की जलन में लाभ। सदियों से दादी नानी के घरेलू नुस्खों में एसिडिटी, पेट में जलन आदि समस्याओं के लिए अजवायन का प्रयोग किया जा रहा है। अधिक फीका भोजन करने के बाद छाती में जलन की परेशानी हो जाती है। ऐसे में 1 ग्राम अजवायन और बादाम की 1 गिरी को खूब चबा चबा कर या पीस कर खाएं, इससे फायदा होता है। अगर कोई पेट संबंधी रोगों से परेशान रहता है तो उसे 1 भाग अजवायन, आधा भाग काली मिर्च और सेंधा नमक को मिलाकर पीस लेना है। इसे गुनगुने जल के साथ 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेना है। सुबह शाम सेवन करने से पेट संबंधी रोग ठीक होते हैं। नंबर दो, पाचन तंत्र विकार से राहत। अगर किसी को पाचन शक्ति को बेहतर बनाना है तो अजवायन के औषधीय गुणों से लाभ उठाने की जरूरत है। अजवायन का नीचे दी गई विधि से उपयोग किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र सही नहीं रहा हो तो उसे 80 ग्राम अजवायन, 4 ग्राम सेंधा नमक, 40 ग्राम काली मिर्च, 40 ग्राम काला नमक, 500 ग्राम यक्षवार लेना चाहिए। इन्हें 10 ml कच्चे पपीते के दूध में महीन पीस लेना है। इसे कांच के बर्तन में भर लें और 1 लीटर नींबू का रस इसमें डालकर धूप में रख दें।
इसे बीच बीच में हिलाते रहें। एक महीने बाद जब यह बिल्कुल सूख जाए तो सूखे चूर्ण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में जल के साथ सेवन करें। इससे पाचन शक्ति स्वस्थ होती है तथा अपच अमाशय संबंधी रोग और बार बार दस्त होने की बीमारी में भी लाभ होता है। अजवाइन के गुण सिर्फ पाचन में ही नहीं दूसरे बीमारियों में भी फायदेमंद होता है। 1 ग्राम अजवाइन को इंद्रायण के फलों में भरकर रख दें। जब यह सूख जाए तब बारीक पीस लें। इसमें अपनी इच्छा अनुसार काला नमक मिलाकर रख लें। इसे गर्म जल से सेवन करें। इसके प्रयोग से पेट संबंधित सभी विकारों से आराम मिलता है। 1.5 लीटर जल को आग पर रखें। जब पानी पूरी तरह उबलकर 1.25 लीटर रह जाए तब नीचे उतार लें। इसमें 0.5 किलोग्राम पिसी हुई अजवाइन डालकर ढक्कन बंद कर दें। जब यह ठंडा हो जाए तो छान कर बोतल में भरकर रख लें। इसे 50-50 ml दिन में 3 बार सेवन करें। इसके प्रयोग से पेट के पाचन तंत्र संबंधी विकार ठीक होते हैं। 1 किलोग्राम अजवाइन में 1 लीटर नींबू का रस और 5 नमक 50-50 ग्राम लें। इन्हें कांच के बर्तन में भरकर रख दें। इसे दिन में धूप में रख दिया करें। जब रस पूरी तरह सूख जाए तब दिन में 2 बार 1 से 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। इससे पेट संबंधी बीमारियां ठीक होती हैं। 3, अजवाइन के इस्तेमाल से हाजमा होता है बेहतर। अजवाइन के गुण हजम शक्ति बढ़ाने में बहुत मदद करती है। बस इसको सेवन करने का सही तरीका और तरीका पता होना जरूरी होता है। जिस भी व्यक्ति को दूध ठीक से ना पचता हो उसे दूध पीने के बाद थोड़ी अजवाइन खा लेनी चाहिए। यदि गेहूं का आटा मिठाई आदि ना पचता हो तो उसमें अजवाइन के चूर्ण को मिलाकर खाने से फायदा होता है। पाचन क्रिया खराब हो गई हो तो 25 ml अजवाइन के काढ़ा को दिन में 3 बार पिलाने से लाभ होता है। 4, एसिडिटी की परेशानी में अजवाइन का इस्तेमाल। एसिडिटी की परेशानी से राहत पाने के लिए अजवाइन के फायदे का सही तरह से उपयोग करना जरूरी होता है। अक्सर बाहर का कुछ उल्टा सीधा खा लेने पर खट्टी डकारें और पेट में गुड़गुड़ाहट जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसके लिए आप 250 ग्राम अजवाइन को 1 लीटर गौमूत्र में भिगोकर रख लें। इसे 7 दिन तक छाया में सुखा लें। इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। इससे जलोदर, खट्टी डकारें आना, पेट में दर्द, पेट में गुड़गुड़ाहट आदि रोगों में लाभ होता है। अजवाइन को बारीक पीसकर उसमें थोड़ी मात्रा में हींग मिला लें। इसका लेप बना लें। इसे पेट पर लगाने से पेट के फूलने और पेट की गैस आदि परेशानियों में तुरंत लाभ होता है। वचा, सौंठ, काली मिर्च तथा पीपली से काढ़ा बना लें। इस चूर्ण को खाने से पेट की गैस की समस्या ठीक होती है। सामान्य मात्रा में अजवाइन, सेंधा नमक, सोवरचल नमक, यक्षकार, हींग और सूखे आंवला लें। इनका चूर्ण बनाकर रख लें। इस चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम शहद के साथ सेवन करें। इससे डकार की परेशानी ठीक होती है। 5, अजवाइन के उपयोग से उल्टी, दस्त पर रोक। उल्टी और दस्त से परेशान हैं तो अजवाइन के तेल की 3-4 बूंदें
बतासे या गुनगुने जल में डालकर लें। अगर एक बार में फ़ायदा ना हो तो थोड़ी थोड़ी देर में 2 से 3 बार दे सकते हैं। 3 ग्राम अजवाइन और 500 मिलीग्राम नमक को ताजे पानी के साथ सेवन करें। इससे दस्त में तुरंत लाभ होता है। अगर एक बार में आराम ना हो तो अजवाइन के इस पानी को 15-15 मिनट के अंतर पर 2 से 3 बार लें। नंबर 6, अजवाइन के प्रयोग से पेट दर्द से राहत। अजवाइन के फायदे का सही तरह से लाभ पाने के लिए सेवन करने के सही तरीके का भी पता होना चाहिए। अजवाइन, सेंधा नमक, हरड़ और सौंठ के चूर्ण को बराबर बराबर मात्रा में मिला लें। इस चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। इससे पेट का दर्द ठीक होता है। पेट में मरोड़े या दर्द की स्थिति में 3 से 4 बूंद अजवाइन के तेल को बतासे में डालकर देने से तुरंत लाभ होता है। पेट का दर्द, पेट फूलना आदि पेट संबंधी विकारों में 10 ग्राम अजवाइन, 6 ग्राम छोटी हरड़ लें। इन्हें 3-3 ग्राम घी में भुनी हुई हींग और 3 ग्राम सेंधा नमक के साथ चूर्ण बना लें। इसे 2 ग्राम की मात्रा में थोड़े गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार सेवन करें। नंबर 7, मासिक धर्म की रुकावट में अजवाइन से फ़ायदा। अजवाइन मासिक धर्म रुकावट जैसी परेशानी में भी असरदार होता है। आप 10 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम पुराने गुड़ को 400 ml जल में पका लें। इसे सुबह शाम सेवन करें। इससे गर्भाशय की गंदगी साफ होती है और मासिक धर्म संबंधी विकार भी ठीक होते हैं। इसी तरह 3 ग्राम अजवाइन के चूर्ण को गर्म दूध के साथ सुबह शाम सेवन करें। इससे भी मासिक धर्म में लाभ होता है। नंबर 8, सर्दी जुकाम में अजवाइन का उपयोग लाभदायक। सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए 2 से 250 ग्राम अजवाइन को मलमल के कपड़े में बांध लें। इसे पोटली बनाकर तवे पर गर्म कर लें। इसे सूंघें। इससे सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। केवल अजवाइन का काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी जुकाम में लाभ होता है। 2 से 3 ग्राम अजवाइन के चूर्ण को गुनगुने पानी या दूध के साथ पिए। इसे दिन में 2-3 बार सेवन करना है। इससे जुकाम, खांसी तथा सिर दर्द में लाभ होता है। इसके अलावा आप 1 ग्राम अजवाइन, 1 ग्राम सौंठ तथा 2 नग लौंग को 200 ml पानी में पकाएं। जब पानी 1/4 बच जाए तो पानी को छानकर पिएं। इससे जुकाम व सर्दी में लाभ होता है। कफ वाली खांसी हो और कफ अधिक निकलता हो या फिर बार बार खांसी आती हो तो 125 मिलीग्राम अजवाइन के रस में 2 ग्राम घी और 5 ग्राम शहद मिला लें। इसे दिन में 3 बार खाएं। इससे कफ वाली खांसी में लाभ होता है। इसी तरह 2 ग्राम मुलेठी और 1 ग्राम चित्रक जड़ का काढ़ा बना लें। इसमें 1 ग्राम अजवाइन मिलाकर रात में सेवन करें। इससे खांसी में लाभ होता है। 5 ग्राम अजवाइन को 250 ml पानी में पकाएं। जब पानी आधा हो जाए तो इसे छानकर नमक मिला लें। इसे रात को सोते समय पिएं। इससे खांसी में लाभ मिलता है। नंबर 9, खांसी और बुखार में अजवाइन से फ़ायदा। अगर आप
खांसी और बुखार से पीड़ित हैं तो इन रोगों को ठीक करने के लिए अजवाइन का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये तरीका अजमाना है। 2 ग्राम अजवाइन तथा 0.5 ग्राम छोटी पिपली का काढ़ा बना लें। इसे 5 से 10 ml मात्रा में सेवन करें। इससे खांसी बुखार ठीक होते हैं। अगर खांसी पुरानी हो गई हो और पीला दुर्गंधमय कफ निकल रहा हो, इसके साथ ही पाचन क्रिया बंद पड़ गई हो, तो 25 ml अजवाइन का काढ़ा बना लें। इसे दिन में 3 बार लेने से लाभ होता है। पुदीना का रस या 10 ग्राम पुदीना के फूल के साथ 10 ग्राम अजवाइन का रस लें। इसे 10 ग्राम देसी कपूर के साथ एक साफ शीशी में डालकर अच्छे से बंद कर लें। इसे धूप में रखें। कुछ देर बाद तीनों चीज़ें मिलकर एक दवा का रूप ले लेंगी। यह दवा अनेक बीमारियों में काम आती है। यह सर्दी जुकाम कफ सिर दर्द आदि रोगों में बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 10, पेट के कीड़े होने पर अजवाइन का उपयोग। अजवाइन के 3 ग्राम महीन चूर्ण को दिन में 2 बार छाछ के साथ सेवन करें। इससे आंत के हानिकारक कीड़े खत्म हो जाते हैं। अजवाइन के 2 ग्राम चूर्ण को काला नमक के साथ सुबह सुबह सेवन करें। इससे अपच, गठिया, पेट के कीड़ों के कारण होने वाली पेट की बीमारियां जैसे पेट फूलना तथा पेट दर्द, पाचन तंत्र की कमजोरी, एसिडिटी आदि ठीक होती हैं। नंबर 11, अजवाइन के इस्तेमाल से शिशुओं को पेट दर्द से मिले राहत। कई बार छोटे बच्चों को पेट में दर्द जैसी परेशानी हो जाती है। इस परेशानी में बारीक साफ कपड़े के अंदर अजवाइन को रख लें। इसे शिशु के मुंह में चटाएं। इससे शिशु के पेट का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। नंबर 12, बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो करें अजवाइन का प्रयोग। जो बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं, उन्हें रात में 500 मिलीग्राम अजवाइन खिलाएं। इससे फायदा हो सकता है। नंबर 13, बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो कराएं अजवाइन का सेवन। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसके कारण बच्चों को पेट संबंधी कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं। इस बीमारी में अजवाइन के 500 मिलीग्राम चूर्ण लें और इतना ही काला नमक मिला लें। इसे रात के समय गुनगुने जल के साथ सेवन कराएं। इससे आराम मिलता है। नंबर 14, कान दर्द से राहत के लिए अजवाइन का उपयोग। अगर कोई कान दर्द से परेशान रहता है तो उसे 10 ग्राम अजवाइन को 50 ml तिल के तेल में पका लेना है। इसे छान कर रख लेना है। इस तेल को गुनगुना कर 2-2 बूंद कान में डालें। इससे कान का दर्द ठीक होता है। इसका इस्तेमाल करने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर लें। नंबर 15, प्रसव डिलीवरी के बाद अजवाइन के उपयोग से फायदा। प्रसव के बाद प्राय महिलाओं को शरीर में दर्द की शिकायत होती है। इस स्थिति में महिलाओं को भूख भी कम लगती है। ऐसे में महिलाओं को हल्का भोजन करने को कहा जाता है ताकि अन्न का पाचन सही से हो पाए। प्रसव के बाद बहुत सालों से अजवाइन को दवा के रूप में महिलाएं प्रयोग करती आ रही हैं। महिलाओं को अजवाइन का सेवन करने से न सिर्फ गर्भाशय संबंधी विकारों से राहत मिलती है,
बल्कि प्रसव के बाद की पीड़ा से भी आराम मिलता है। महिलाओं को अजवाइन का लड्डू या लड्डू जैसा चूर्ण बना लेना है। भोजन के बाद 2 ग्राम इस चूर्ण का सेवन करना है। इससे आंतों के हानिकारक कीड़े खत्म होते हैं और रोगों से बचाव होता है। नंबर 16, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए अजवाइन का प्रयोग। अजवाइन के इस्तेमाल से अनेक लाभ होते हैं। इन्हीं में से एक है मधुमेह यानी के डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करना। इसके लिए 3 ग्राम अजवाइन को 10 ml तिल के तेल के साथ दिन में सेवन करें। आपको दिन में 3 बार सेवन करना है। नंबर 17, शरीर के दर्द में अजवाइन के लेप से मिले राहत। शरीर में दर्द है तो अजवाइन को पानी में पीसकर लेप के रूप में लगाएं। दर्द वाले अंग को धीरे धीरे सेक लें। इससे लाभ होगा। अजवाइन को आग पर डालकर उसके धुएं से सेकाई करने पर भी शरीर का दर्द दूर होता है। नंबर 18, नपुंसकता, शीघ्र पतन और शुक्राणु की कमी में अजवाइन से लाभ। 3 ग्राम अजवाइन में 10 ml सफ़ेद प्याज का रस तथा 10 ग्राम शक्कर मिला लें। इसे दिन में 3 बार सेवन करें। 21 दिन में पूरा लाभ होता है। इस प्रयोग से नपुंसकता, शीघ्र पतन की समस्या और शुक्राणु की कमी में लाभ होता है। नंबर 19, दाद, फुंसी, खुजली आदि चरम रोगों में अजवाइन से लाभ। अजवाइन का काढ़ा लेप करने से दाद, खाज, खुजली, संक्रमण वाले घाव में लाभ होता है। अजवाइन को उबलते हुए जल में डाल दें। इसके घुल जाने के बाद छान लें। इसे ठंडा करके घाव को धोएं। इससे दाद, फुंसी, गीली खुजली आदि चरम रोगों में लाभ होता है। नंबर 20, पित्ते उछलने, त्वचा पर लाल रंग के दानी वाला रोग पर अजवाइन का उपयोग। 50 ग्राम अजवाइन को 50 ग्राम गुड़ के साथ अच्छे प्रकार कूट लें। इसकी 1-1 ग्राम की गोली बना लें। 1-1 गोली सुबह शाम ताजे पानी के साथ लें। इससे 1 सप्ताह में ही शरीर पर फैली हुई पित्ती, शीत पित्त दूर हो जाएगी। इसके सेवन से बार बार पेशाब आने की बीमारी में भी लाभ होता है। नंबर 21, पेशाब संबंधी परेशानियों में अजवाइन से लाभ। अगर किसी को पेशाब संबंधी समस्या रहती है तो उसे 2-4 ग्राम अजवाइन को गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। इससे पेशाब संबंधी परेशानी ठीक होती है। नंबर 22, बुखार उतारने के लिए अजवाइन का उपयोग। जो कोई अपच की वजह से बुखार से पीड़ित है तो उसे रात में 10 ग्राम अजवाइन को 125 ml जल में भिगोकर रख देना है। इसको मसलने के बाद छान कर पीना है। सुबह शाम पीने से बुखार उतर जाता है। इन्फ्लुएंजा, शीत जवर में 2 ग्राम अजवाइन सुबह शाम खिलाएं। इससे फायदा होता है। अगर बुखार में पसीना अधिक निकल रहा है तो 100 से 200 ग्राम अजवाइन को भून लें। इसे महीन पीसकर शरीर पर लगाएं। इससे फायदा होता है। नंबर 23, मलेरिया बुखार में अजवाइन के इस्तेमाल से लाभ। मलेरिया बुखार हो तो रात में 10 ग्राम अजवाइन को 100 ml जल में भिगो दें।
सुबह पानी गुनगुना कर जरा सा नमक डालकर कुछ दिन तक सेवन करें। नंबर 24, शराब पीने की आदत छुड़ाने में अजवाइन मददगार। जब शराब पीने की इच्छा हो और रोका ना जा सके तो 10-10 ग्राम अजवाइन को दिन में 2-3 बार चबाएं। इससे शराब पीने की इच्छा में कमी आती है। आधा किलो अजवाइन को 4 लीटर पानी में पकाएं। जब पानी आधा से भी कम रह जाए तो छानकर शीशी में भरकर रख लें। जो शराब छोड़ना चाहते हैं वो लोग इस काढ़ा को भोजन से पहले 1 कप पिएं। यह बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है। नंबर 25, अजवाइन के सेवन से हैजा से मिले राहत। हैजा में अजवाइन के तेल की 4-5 बूंद विशेष रूप से गुणकारी मानी जाती हैं। हैजे की शुरुआती अवस्था में देने से तुरंत लाभ होता है। एक बार में आराम ना हो तो 15-15 मिनट के अंतर से 2-3 बार दे सकते हैं। नंबर 26, चोट लगने पर करें अजवाइन का इस्तेमाल। किसी भी प्रकार की चोट लगी हो तो कपड़े का 2 तह बना लें, इसकी पोटली बना लें और 50 ग्राम अजवाइन को इसमें रखकर गर्म कर लें। इसे चोट लगने वाले स्थान पर 1 घंटे पर रखें। इसे चोट लगने वाले स्थान 1 घंटे तक पर रखें। इससे आराम मिलता है। चोट को ठीक करने के लिए अजवाइन की सेकाई एक रामबाण औषधि है। नंबर 27, सुजाग में लाभप्रद अजवाइन का प्रयोग। अजवाइन के तेल की 3 बूंद को 5 ग्राम शक्कर में मिला लें। इसे सुबह और शाम सेवन करें। इससे सुजाक में लाभ होता है। नंबर 28, पैरों में कांटा चुभने पर अजवाइन का प्रयोग। अगर पैर में कांटा चुभ गया है तो पिघले हुए गुड़ में 10 ग्राम पिसी हुई अजवाइन मिला लें। इसे थोड़ा गर्म करके कांटा वाले स्थान पर बांधें। इससे कांटा अपने आप निकल जाएगा। नंबर 29, बवासीर में फायदेमंद अजवाइन। बवासीर में लाभ लेने के लिए अजवाइन में सेंधा नमक मिलाकर सेवन करें। इससे पेट का फूलना तथा बवासीर में लाभ होता है। नंबर 30, किडनी गुर्दे की दर्द की समस्या में अजवाइन का सेवन। आयुर्वेद के अनुसार जिस किसी व्यक्ति को किडनी में दर्द संबंधी परेशानी हो उसे 3 ग्राम अजवाइन के चूर्ण को सुबह शाम गर्म दूध के साथ लेना है। इससे लाभ होता है। नंबर 31, कीटों के काटने पर अजवाइन का प्रयोग फायदेमंद। बिच्छू, ततैया, भवरी, मधुमक्खी जैसे जहरीले कीटों के काटने पर भी अजवाइन का तेल को लगाने से आराम मिलता है। अजवाइन के पत्तों को पीस कर भी लगाने से लाभ होता है। नंबर 32, जू यानी के लीक निकालने में अजवाइन का प्रयोग फायदेमंद। अगर आप भी जुओं की समस्या से परेशान हैं तो अजवाइन के गुण से उसका उपचार कर सकते हैं। इसके लिए 10 ग्राम अजवाइन के चूर्ण में 5 ग्राम फिटकरी मिलाएं और इसे दही या छाछ में मिलाकर बालों में लगाएं। इससे लीकें तथा जू मर जाती है। दोस्तों, अजवाइन के उपयोगी भाग क्या क्या हैं आइए जान लेते हैं। नंबर 1, आप अजवाइन के बीज का
उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, इसके साथ ही अजवाइन के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं अजवाइन का सेवन कैसे करें। अगर आप बीमारी में लाभ पाने के लिए अजवाइन का औषधीय प्रयोग करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से जानकारी जरूर लें। दोस्तों, अजवाइन के इतने सारे फायदों के बारे में जानने के बाद आइए अब जान लेते हैं अजवाइन से होने वाले कुछ नुकसान। अजवाइन के इतने फायदे हैं तो कुछ स्थिति में अजवाइन के नुकसान होने की भी संभावना रहती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, हमेशा ताजी अजवाइन को ही उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि पुरानी हो जाने पर इसका तैलीय अंश खत्म हो जाता है। तैलीय अंश के खत्म होने से इसका पूरा फायदा नहीं मिलता। नंबर 2, काढ़ा के स्थान पर रस का प्रयोग करना बेहतर होता है। नंबर 3, अजवाइन का अधिक सेवन करने से सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए अजवाइन के नुकसान या दुष्प्रभाव से बचने के लिए सेवन से पहले किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो जाते जाते दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि अजवाइन की खेती कहाँ होती है। भारत में अजवाइन के पौधे की खेती मुख्यतः राजस्थान, पंजाब तथा गुजरात में की जाती है। यह मूलतः मिस्र, ईरान तथा अफगानिस्तान में प्राप्त होती है। दोस्तों, अजवाइन पर जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी अधिक आयुर्वेदिक जानकारियों के लिए कृपया चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।